हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवंती फीड्स लिमिटेड के बारे में। अवंती फीड्स लिमिटेड के बारे में मैंने पहले से डिटेल वीडियो बना के रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना हो डिटेल स्टडी के पर्पज के लिए तो आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अवंती फीड्स। तो यहाँ पर मेरी आपको कोई एडवाइस नहीं है कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें, मैं सिर्फ आपको अपनी लर्निंग बताऊंगा कि कैसे हमको स्टॉक की एनालिसिस करना चाहिए, कैसे हमको स्टॉक समझना चाहिए कि यहाँ से कैसे इसका रिटर्न मिल सकता है। तो यह कोई एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना। अवंती फीड्स लिमिटेड एक अवंती फीड्स प्रोवाइडर जो है ना वो श्रिम्प्स यानी झींगे जो है ना वो प्रोवाइड करती है, और झींगा जो है ना खाने के लिए काफ़ी एक अच्छा न्यूट्रिश माना जाता है, और ये इनका जो प्रोडक्ट है वो US में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होता है। ये मैंने डिटेल वीडियो उसमें बता रखा है, मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं समझाने जा रहा हूँ बिकॉज वीडियो लंबा खिंच जाता है उसके चक्कर में। और फिर अगर हम बात करें तो इनकी तीन चार डिवीजन है, तीन चार टाइप के उसमें बिजनेस है, और मेनली बिजनेस वो जो है वो श्रिम्प्स का है, हैचरी भी है, फार्म्स भी है, फीड भी बनाते हैं, फ्रोजन भी करते हैं, और उसको अच्छी खासी पैकिंग करने के बाद US भेजते हैं तो रेडी टू ईट प्रोडक्ट बना के देते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, आप वहाँ से चेक इट आउट कर सकते हैं। तो मेनली बिजनेस की बात करें तो बिजनेस काफ़ी सस्टेनेबल है, बिजनेस काफ़ी ग्रोइंग है। उसका एक रीजन भी है कि यह बिजनेस डायरेक्ट टू फार्मर से कनेक्ट है, और फार्मर को जो भी बिजनेस फार्मर से रिलेटेड होते हैं ना तो उसमें गवर्नमेंट कम ही इंटरप्रेट कर पाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका गलत सेंटिमेंट बन जाता है ना। तो वो है जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है आगामी चुनावों में। तो मेरे हिसाब से ये बात की जाए अवंती फीड्स के बारे में तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है, उसके रीजंस भी हैं। और अगर हम और की पॉइंट देखेंगे तो यहाँ से आप जाके चेक इट आउट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। एंड अगर हम देखें ना तो कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 5,424 करोड़ है, 5,400 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी की जो एक साल की जो ट्रेलिंग 12 मंथ की सेल्स जा रही है वो भी 5,000 करोड़ के आसपास जा रही है। तो मेरे हिसाब से अभी ये अंडर वैल्यूड शेयर है, बिकॉज जिस कंपनी की मार्केट कैप ही उतनी है, वो जितनी सेल्स ही हो रही है एक साल में। तो जैसे मैंने एक बनाया था वीडियो जिसमें AGL के बारे में बताया था, एशियन ग्रैंड टू, उसकी भी उतनी ही वही पोजिशन थी, उसके बाद वो अच्छा खासा रिटर्न दे पाया। और यहाँ से मुझे ये भी लग रहा है कि अवंती फीड भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर हम देखें तो स्टॉक का करंट प्राइस 398 चल रहा है, 52 वीक का हाई 488 है, लो 321 है, और स्टॉक का पी 15.9 है, इंडस्ट्रीज का पी 23 है, तो उससे भी डिस्काउंटेड मिल रहा है। ROC बहुत अच्छा है, एक इस टाइप की स्मॉल कैप कंपनी में 18 का ROC मिल जाए बहुत ही गजब की बात कही जाएगी यहाँ पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे साथ साथ में रिजल्ट के बारे में, तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है ना वो 1,278 करोड़ की सेल्स आई है सितंबर की, और इनकी जो जून से हमेशा सेल्स कम रहती है क्योंकि सेल्स डिपेंड करता है क्वार्टर टू क्वार्टर ऑल्सो। अगर हम देखें इस साल सितंबर में और लास्ट ईयर के सितंबर में तो थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट अगर हम देखें जून में देखें 1,554 था, तो इस बार 1,569 था, थोड़ा कम जरूर हुई है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेस ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम सब कुछ चलेगा, बट ये अच्छा खासा यहाँ से दिख रहा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रही है, और उस कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है ना वो 83 करोड़ का इस बार सितंबर का आया है। तो ये भी एक हेल्दी सस्टेनेबल बिजनेस है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें जाए तो सेल्स तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास है, और उसके हिसाब से 370 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट जाता हुआ दिख रहा है, विच इज ऑल्सो गुड कि 370 करोड़ इनके पास 2 साल से नहीं आया, इसलिए एक शेयर भी डाउन ट्रेंड में था। अब मुझे यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से सब कुछ अच्छा होने वाला है। बैलेंस शीट की बात करें तो 14 करोड़ का इक्विटी है, रिजर्व इनके पास 2,170 करोड़ का इनके पास खुद का पैसा है, 5,000 करोड़ में 2,200 करोड़ के आसपास कंपनी के पास खुद का पैसा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। 428 करोड़ का फिक्स एसेट है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी 35 करोड़ पड़े हैं इनके पास, और अदर असेट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट में इनके पास 700 करोड़ के आसपास रुपये पड़ा है। और तो मेरे हिसाब से ये एक कंपनी को काफ़ी अच्छा हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गली बनाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 43.28 है, FI 13.50 लेके बैठे हैं, DI के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है 8.81, गवर्नमेंट के पास भी 2.72% है, और पब्लिक के पास यहाँ पे 31.7 दिख रही है, पर यहाँ पे थाई यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी जो इनकी एक टाइप कंपनी है साथ में काम कर रही है उसके पास भी 15.44 है, तो तकरीबन 15% के आसपास कह सकते हैं कि पब्लिक के पास है। सो मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ट पैटर्न। अगर हम चार्ट की बात करें तो स्टॉक एक अच्छे खासे सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है,
और वो सपोर्ट काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, कभी रेजिस्टेंस बना फिर कभी सपोर्ट हुआ। तो मेरे हिसाब से अगर हम देखें जाए तो ये यहाँ पर इस रेंज में काफ़ी दिन से घूम रहा है। वी कैन सी हेयर कि दिस इज़ द 26 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के आसपास से तब से ये घूम रहा है, मतलब उस सपोर्ट को ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एंड तो मुझे यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको इस स्टॉक में एक वेरी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो यहाँ पर जो इसका ये अभी नियरेस्ट जो हाई लगा था दैट वॉज दिस इज़ द 489 के आसपास, 489 के आसपास का टारगेट लेके चला जाए तो इसमें तकरीबन 20% 25% के आसपास का रिटर्न बहुत जल्दी आ जाएगा। एंड बेसिकली अगर हम इसको लेना चाहें तो इसको डबल के लिए भी ले सकते हैं, विच इज़ द टारगेट ऑफ नियर अबाउट दिस वन। या 769 के आसपास के लिए, और अगर हम इसको करंट प्राइस से लेके चलते हैं तो तकरीबन ये 80-90% के आसपास का रिटर्न दे सकता है, 94% 95% के आसपास। तो यह सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाया जा रहा है, यहाँ पे आपको फिर से बताऊँ कोई एडवाइस नहीं है कि आप इस कंपनी को शेयर को खरीदें बेचें। प्लीज़ ड्यू डिलिजेंस अवश्य करें, अपनी कन्वेक्शन पे खरीदें अपनी कन्वेक्शन पे बेचें। मैं सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ, और तकरीबन 18, 19, 20, 21, 22 कोई एक ऐसा रिटर्न नहीं मिला है, सो रिटर्न मिलने के चांसेस बन सकते हैं। सो आई होप आपको ये अवंती फीड्स के बारे में वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इस टाइप के वीडियो लाता रहता हूँ, मेरी हमेशा टैगलाइन याद रखना, सब संभव हो जाता है, मन नहीं घबराता। दैट मीन्स दैट माँ लक्ष्मी जी की आरती में लाइन है और लक्ष्मी जी आप पर सदा रहें, बट क्या है आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो सब संभव तभी होगा जब आप कुछ चीज़ अपनी कन्विक्शन पे खरीदेंगे, ना कि बोरो कन्विक्शन में। मैंने वीडियो बना दी तो मेरी कन्विक्शन पे मत खरीदना, और तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखें। बाय बाय।